व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लव्य परेरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से एक नई कहानी एक्चुअली में स्टार्ट होती है, और जो कि हम देख की इससे पहले की बात करें तो हम लोग व्हाट इज पाइथन से लेकर के हर एक चीज़ कर चुके हैं। कंडीशन पर आप चाहे डेटा टाइप की बात कर लो, वेरिएबल की बात कर लो, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कॉमेंट्स की बात कर लें, इफ कंडीशन के अंदर इफ इफ के साथ टेंस का कैसे यूज होगा, एलिफ का क्या यूज है, लिस्टेड इफ, यहाँ तक हम लोग सारे अंदाज कर चुके हैं। अब बारी आती है थोड़ा सा घूमने की, यानी कि लूप की बारी है जो आती है। ओके, सो लूप बेसिकली होता क्या है? जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर नए होते हैं तो लूप मानिए एक ऐसे होता है कि आप कह लो द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक के अंदर से एक है जो हमें लगता है, क्योंकि हम नए नए होते हैं प्रोग्रामिंग के साथ में। हम प्रोग्रामिंग को आप कह लीजिए कि अभी जानना सीखे हैं, उसका सिंटेक्स जानना सीखे हैं, और फिर नॉर्मल जो हम कोड करते हैं उसके बाद हमें एक थोड़ा सा पता है जो चलता है, और फिर हमें लूप जब पता चलता है तो जब सच में हम लूप के साथ ऐसे घूम जाते हैं। बेसिकली ये कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है आपकी प्रैक्टिस मानता है। जब तक प्रैक्टिस आप करेंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाता है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद में कि कोई भी प्रोग्राम आपके सामने आया तो आप उसको माइंड में ही सॉल्व ऐसे कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से सफ़र है जो हमारा शुरू होता है, माइंड में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे वहाँ तक का। तो सारी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से जो सुन रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ें, ठीक है? चलिए अब यहाँ से जैसे हर एक टॉपिक की शुरुआत करती हूँ, व्हाट इज लूप से हम लोग है जो बेसिकली स्टार्ट कर रहे थे। लूप होता क्या है? अब मैंने ना इसके अंदर एक लाइन को अंडरलाइन है जो किया हुआ है, किताबी भाषा आपके सामने लिखी हुई है, लेकिन उस किताबी भाषा में मैंने एक लाइन को अंडरलाइन है जो किया हुआ है, विच इज रिपीटेड मल्टीपल लाइन्स। क्या लिखा हुआ है? रिपीटेड मल्टीपल लाइन्स। हम लोग पहले जो प्रोग्राम्स बना रहे थे उसके अंदर क्या चीज़ हो रही थी, मेरा पेन भी बीच में चलना बंद हो गया है। मशक्कत करने पर इसके शुरू हो चुका है। ओके, सो अभी से पहले तक हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल प्रोग्राम्स जो बना रहे थे। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं आपका प्रोग्राम बना रही हूँ, मतलब कहने का कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अभी तक आप एक नॉर्मल प्रोग्राम्स बना रहे थे जिसमें सीक्वेंस वाइज आपने कुछ लाइनें हैं जो लिखी और वो सारी लाइनें आपकी रन हो गई। फिर बात करिए आपने बोले एक कंडीशन की, अब उसके अंदर क्या था कि आप कुछ कंडीशन के बेसिस पर चुनाव कर रहे थे कुछ लाइंस का, कि वो लाइंस चलानी है कि नहीं चलानी है। ओके, आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया, अब आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती तो ये लाइन चलती, नहीं तो ये दो लाइनें नहीं चलती। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी सी अलग चीज़ें जो कर रहे हैं कि मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो दो लाइनें हैं ना, ये मेरी पांच बार रिपीट हो। क्या हो? रिपीट हो, ठीक है? 50 बार रिपीट हो, 500 बार रिपीट हो। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिपीटेशन कर रही हूँ, ठीक है? क्या कर रही हूँ? रिपीट कर रही हूँ कुछ नंबर ऑफ लाइन्स को, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे मेरा नाम है जो वो मुझे 5 बार लिखना है, तो आप कहोगे प्रिंट को 5 बार लिख लो, या फिर आप मल्टीप्लाई 5 कर लो, क्योंकि रेप्लिकेशन भी होता है पाइथन के अंदर। हाँ, ये भी चीज़ें जो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे मेरा नाम मैनुअली जाकर के अगर ऐसे 5 बार प्रिंट करना पड़े, क्योंकि हर चीज़ मेरी रेप्लिकेशन से भी नहीं हो सकती, और कॉपी पेस्ट में हमारा कितना लंबा कोड है जो हो जाएगा, और वो कोई स्मार्टनेस वाला वे नहीं है, तो हम प्रोग्रामर ही क्या अगर हम ऐसे कॉपी पेस्ट करते थे, है ना? तो उस केस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ है जो बेसिकली करते हैं, ठीक है? जैसे मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आती हूँ और यहाँ पर मैं कहती हूँ क्या कि वही मेरे को मेरा नाम 5 बार रिपीट करना है, है ना? तो कितनी लाइनें मुझे 5 बार कॉपी पेस्ट करनी होती? अब यहाँ तो चलो तुम्हें नंबर ऑफ लाइन्स पता चल रहे हैं,
कोड के बीच में आपको मान लो 445 बार करनी है आपकी लाइन आपको रिपीट, है ना, तो आप ऐसे क्या कॉपी पेस्ट करके करोगे? नहीं करोगे ना। तो वहां पर जहां पर हमें मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी है हमारी स्टेटमेंट्स को, तो वहां पर हम अपने लूप का यूज है जो बेसिकली करते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग से हट करके अब हम कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसा कोड के अंदर जादू है जो करने मतलब लगाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे हम कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ लाइन्स को अपने मनचाहे नंबर तक क्या करा पाए, रिपीट करा पाए। ठीक है, इट हेल्प्स इन ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क एंड इटरेटिंग ओवर अ सिक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। ये किताबी भाषा है, ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बोल करके बताई है। पाइथन के अंदर हमें दो तरीके के लूप हैं जो बेसिकली मिलते हैं, एक तो फॉर लूप है और दूसरा आपका व्हाइल लूप है। आप दो चीज़ फॉर से करा सकते हो, आप वो चीज़ व्हाइल से भी करा सकते हो, बस नंबर ऑफ लाइंस का और थोड़े से सिंटेक्स का फर्क है जो आपको पढ़ने वाला है। अब मुद्दा ये नहीं है कि भाई कौन सा लूप किस टाइम पर यूज करना है, ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस के बाद में ना आपका माइंड इजीनेस की तरफ है जो अपने आप भागेगा। जैसे ही कोई प्रोग्राम आया आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि अच्छा इसको फोर से या वाइल से, मतलब ये मुद्दा मुद्दा नहीं रहेगा आफ्टर प्रैक्टिस कि मुझे यहाँ पर कौन सा लूप है जो यूज़ करना है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें इतनी आसान बन चुकी होंगी, आप खुद ही अपने लिए आसान बनाएंगे प्रैक्टिस करके। बाकी जो चीज़ आप फोर से कर सकते हो बिल्कुल वो आप वाइल से भी कर सकते हो, वाइल वाली चीज़ से फोर से भी है जो हो सकती है। दो तरीके हैं, दो वे हैं लूप को हैंडल करने के, फोर एंड वाइल। बेसिकली अगर बात करें पाइथन के अंदर तो फोर और वाइल दोनों कीवर्ड्स हैं, और जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो इनका अपना सिंटेक्स जो स्टार्ट हो जाता है। किसी भी लूप को पहले शुरू कर लेते हैं, हम फोर को पहले शुरू कर लेते हैं, फोर लूप। ओके, अब लूप आपको समझ में आ चुका है कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अब फोर लूप से इस सिंटेक्स को अचीव करने की कोशिश है जो करेंगे। अब इसके लिए क्या होगा कि आपका एक कीवर्ड यहाँ पर यूज होने वाला है, विच इज कौन सा, फोर लूप। अब जैसे मुझे यही लाइन, जैसे मैंने कहा ना 5 बार मुझे यहाँ पर यूज करनी है, तो अगर मैं यही चीज़ फोर के साथ में करूँगी तो मैं कैसे करूँगी, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, उससे पहले अपने क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब लिस्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक नया होगा, क्योंकि अभी तक आपने लिस्ट को उस तरीके से नहीं पढ़ा है जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, यानी कि डिटेल में। डेटा टाइप्स में मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये आपकी लिस्ट, ये इसलिए लिस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन आइडेंटिफायर के रूल्स के अंदर रहते हुए। ओके, कैसे पता चला कि एक लिस्ट है, क्योंकि ये जो मैंने बॉक्सेस का यूज़ किया है इसके अंदर जो भी डेटा आप कॉमा डाल करके लिखते जाते हैं आगे, तो वो आपकी लिस्ट ही है। ये बॉक्सेस है ना, जो इससे मेनली आपको पता चलता है। हाँ, इन बॉक्सेस की जगह पर अगर मैं ये गोल गोल वाले पैराथेसिस लगाती तो यही मेरा एक ट्यूपल बन जाता। ठीक है, तो चाहे ट्यूपल हो या लिस्ट हो मैंने ले लिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, फोर लूप का यूज करूँ, पहले मैं आपको आसान चीज बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेंज इंट्रोड्यूस है तो करूँगी। फोर कीवर्ड मैंने लिखा, अब मुझे एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आई ले, मेरे टीचर्स ने जब मुझे फोर लूप पढ़ाया था तो उन्होंने भी आई लिया था, उनके टीचर्स ने जब उनको पढ़ाया था तो उन्होंने भी आई लिया था, तो आई इज़ नॉट की एक रूल की तरह है, यहाँ पर एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि आप आई का यूज है जो बेसिकली ज़्यादा कर रहे हैं। इट्स ओके अगर मैं ए भी लिखती हूँ, बी भी लिखती हूँ, क्योंकि एक आइडेंटिफायर है। ओके, आइडेंटिफायर ले लिया, अब मुझे एक ऑपरेटर यूज करना होगा। इस ऑपरेटर का नाम क्या था, हमारे इस ऑपरेटर का नाम था मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने कहा फोर ए एन, अब मैं क्या करूँगी, अपने उस सिक्वेंस का नाम यहाँ पर लिख दूंगी, चाहे वो लेस हो चाहे वो ट्यूपल हो या कोई स्ट्रिंग हो, और अगर ये डिक्शनरी में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कॉलम साइन यहाँ पर यूज है जो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉलम, क्योंकि सिंटेक्स के अंदर आता है फोर लूप के।
जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी चार स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन रूल को फॉलो करती है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रिंट। अब मैं ए को प्रिंट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ए को प्रिंट कर रही हूँ। अब मैं पहले आपको एक बार आउटपुट दिखा देती हूँ, ठीक है, कि ये हमारा एक आउटपुट है। अब जैसे ही मैं प्रिंट स्क्रीन करके आपको इसको समझाती हूँ, आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी। ओहो, इसको यही, हाँ ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो, देखो क्या चीज़, ये क्या है, ये आपका एक ट्यूपल है। मैंने आपको जब डेटा टाइप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर इंडेक्सिंग होती है, 0, 1, 2, 3, 4। हमें अभी उस इंडेक्सिंग से कोई काम नहीं है, लेकिन आपको पता हुआ होना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर फोर लूप का सिंटेक्स लिखा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बस आसान है। फोर, फोर इज ए कीवर्ड, इन इज ऑल्सो अ कीवर्ड। अब मैंने कहा ए, ए एक आइडेंटिफायर है। ये क्या है, ये मेरा ट्यूपल का ऑब्जेक्ट जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अब क्या होगा कि बारी बारी ये जो वैल्यूज है ना, ये इस ए के अंदर आती जाएंगी। तो अब सबसे पहले लूप चलेगा, क्योंकि लूप का काम क्या है, रिपीट करना, ठीक है। तो ए के अंदर सबसे पहले आएगा 11, आपकी ये लाइन चलेगी, और 11 मतलब आप प्रिंट कर रहे हो इसके बाद। अब काउंटर वापस जाएगा, अब दूसरी लाइन जो दूसरा नंबर है ए के अंदर, दूसरी सीट पर बैठा हुआ विच इज़ 22, वो आ जाएगा। मैं पूरा इरेज करती हूँ, सबसे पहले क्या होगा, ए के अंदर पहली सीट वाला आ जाएगा जिसको आपने प्रिंट कर दिया। अब दोबारा हम इसी स्टेटमेंट पर वापस आते हैं, इसी के अंदर क्या है, अगली सीट पर कौन बैठा है, 22, जो कि इस ए के अंदर आ जाएगा, और आप क्या कर रहे हो, उसको प्रिंट कर रहे हो। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट वाला भाई साहब कौन है, 33 आ गया, आपने उसको प्रिंट कर दिया। ऐसे करके 44 फिर 55 आ जाएगा। तो ऐसे करके एक एक करके एक एक जना इसके अंदर आता जाएगा, और आप क्या कर रहे हो, जो भी काम कराना है आप यहाँ पर काम में कुछ नहीं, आप प्रिंट करा रहे हो उसको। अब यहाँ पर कोई लिस्ट भी हो सकती थी, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती थी, कोई डिक्शनरी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं उसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ, इसको एक लिस्ट बनाती हूँ, आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं है। आप इवन ऑल्दो क्या कर सकते थे, यहाँ से इसको कट करके ना अपनी नंबर ऑफ लाइंस को डिक्रीज भी कर सकते थे। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर एक लिस्ट अगर आपने लिखी है तो भी ये सुपर कूल है, तो भी आपको ये वही आंसर देगा जो पहले दे रहा था, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसको दोनों को एक साथ दिखा देती हूँ, इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ए के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर 11 आ रहा है, आपने प्रिंट कराया, तीन है। ए के अंदर 22 आ रहा है, प्रिंट करा लिया, 33, 44 एंड वॉट एवर जो भी आप करा रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है जो कर रहे हैं, यहाँ ट्यूपल हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, जो भी कह लीजिए, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग देने की कोशिश है जो करती हूँ, जैसे मैंने स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा, कोमल, लवजीत वगैरह, क्योंकि तो स्ट्रिंग भी क्या है हमारी, सीक्वेंस वाइज है, उसमें भी इंडेक्सिंग होती है, तो एक एक करके उसमें आएगा, और ये के ओ एम ए एल या जो भी आपने लिखा, दैट विल बी प्रिंट, ये एक नॉर्मल आपको चीज़ पता चले। अब इसमें देखो ए बार बार आपका रिपीट हो रहा है, उसके अंदर की वैल्यू बार बार, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नॉर्मली इसलिए काम है जो यहाँ पर किया। ओके, अब हम इसके साथ में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं रेंज का यूज़ है जो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग के साथ भी आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं कहूँ एक सेकेंड, ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही है हमारे कोट्स में, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। अब मैं आपको इसके साथ में रेंज की कहानी है जो बताती है। रेंज फंक्शन अपने आप में ही आप कह लें कि एक अलग से टॉपिक है जिसको आपको ढंग से समझना, ठीक है। रेंज क्या काम है जो करता है, कुछ भी करने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ पर इसको मैन्युअली समझा देती हूँ क्या होता है रेंज फंक्शन। अभी के लिए आप लूप लूप सब कुछ भूल जाओ,
सिर्फ आप इस पर फोकस करो, रेंज पर। ठीक है, अब क्या है कि रेंज एक ऐसा फंक्शन है जो कि काम करता है ओनली इंटीजर के साथ में। ठीक है, रेंज की जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ में है? ओनली इंटीजर के साथ में। ये चीज़ आपको अपने माइंड के अंदर फिक्स कर लेनी है कि रेंज की फ्रेंडशिप इंटीजर वैल्यूज के साथ में है। ये किसी भी और वैल्यू के साथ काम ही नहीं करेगा, एरर दे देगा अगर आप इंटीजर के अलावा कुछ भी डालेंगे। और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इट मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि इसके अंदर क्या है कि मिनिमम एक कुर्सी और मैक्सिमम तीन कुर्सी यहाँ पर हो सकती है। मैं कुर्सी क्या चीज़ बोल रही हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए पाँच, एक वैल्यू मतलब मैंने यहाँ दे दी, ऑटोमेटिकली ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि मतलब स्टार्ट करेगा जीरो से लेकर के 1, 2, 3 एंड 4 तक। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है यहाँ पर कि रेंज में ऑटोमेटिकली इनिशियल वैल्यू जीरो से लेकर के 4, यानी कि जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो उसे ठीक कम तक चलेगा। मतलब टोटल पांच वैल्यूज की बात है जो हो रही है। अब आप कहोगे कि मैं अगर रेंज के अंदर 50 दे दूँ तो आप ठीक सही सोच रहे हैं, जीरो से लेकर के हम 49 तक की बात है जो कर रहे हैं। आप कहोगे 500, तो 499 की बात हो रही है, कहाँ से लेकर के? जीरो से लेकर के। अब मैं ये चीज़ क्या कह रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रैक्टिकली। जैसे मैं प्रिंट के अंदर डायरेक्टली रेंज का यूज़ कर दूँ, है ना, तो ये जीरो से लेकर के पाँच मतलब एक कम तक की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू यहाँ पर दी है ना, तो उसे ठीक कम तक है जो काम करेगा। कहाँ तक? कम तक। अब जैसे मैं अगर आपको इसको और एक्सप्लेन करूँ, हाँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, ये देखो ये क्या है, ये एक फंक्शन है लिस्ट। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हैं। मैंने ट्यूपल लिख लिया, अब आपका आंसर ट्यूपल में आएगा, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं रेंज की बात कर रही हूँ। जैसे ही आपने लिखा रेंज के अंदर पाँच, तो मतलब ये जीरो से लेकर के 4 तक की बात कर रहा है, मतलब टोटल पांच वैल्यूज की बात है जो कर रहा है। ठीक है, मतलब अब मैं इसको क्या करती हूँ, लूप के अंदर लगाती हूँ। तो मैंने लिखा 4, कोई भी वैल्यू आप देते थे आइडेंटिफायर की, मैं क्या कर रही हूँ, रेंज, और मैंने क्या लिखा 5। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट आई, पूरा सिंटेक्स देख लो क्या है, सिंपल सा एक नॉर्मल सिंटेक्स मैंने लिखा है। ठीक है, रेंज 5, तो अब मैंने 5 लिखा है, तो इतनी 0 से लेकर के 4 तक की बात है जो हो रही है। तो जैसे मैं करूँगी तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, है ना, तो आपका लूप कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार रिपीट हुआ है, 0 से लेकर के 4 तक। अब मैंने वो कहा था ना, मुझे मेरा नाम 5 बार लिखना है, तो अब मैं यहाँ पर अपना नाम 5 बार लिखा। ठीक है, यहाँ मैंने 2 प्रिंट लिखे हुए हैं, इट्स ओके, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आई की वैल्यू क्या है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिमूव का मतलब है कि आप सिर्फ लफजीत 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 5 बार भी प्रिंट करा सकते हैं। अब आप 50 लिखोगे तो वो 0 से 49, यानी कि टोटल 50 बार है जो प्रिंट कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको ये भी चीज़ इसमें समझनी है कि इंडेंटेशन का क्या बेसिकली रोल है। मेरी आवाज आ तो रही है ना? आवाज, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन यानी कि कहने का मतलब है कि इसके नीचे जितनी भी चीजें लिखोगे, दैट इज कमिंग अंडर दिस लूप। इस लूप के चलने पर वो पर्टिकुलर लाइन है जो चलेगी, हमने इफ कंडीशन में भी सीखा था। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 डाल दिया, अब 0 से 9 तक की बात है जो हो रही है। कैसे? 10 बार प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 0 से ऊपर करते हैं 9 तक की बात करते हैं। ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वो रिमूव हो गया था क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, क्या लिखा, रेंज। यहाँ पर अगर एक ही कुर्सी है
मतलब 0 से लेकर के 4 तक की बात हो रही है। ठीक है, मैंने लिखा रेंज 9, तो यानी कि 0 से 8 की बात हो रही है। मैंने लिखा रेंज, कुछ भी लिख देते हैं, 0 से 10 की बात हो रही है। समझ में आई चीज? अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू की बजाय दो वैल्यूज को लिख रही हूँ। मैंने लिखा रेंज, अब मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 5,11। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्टार्ट एंड, मतलब क्या है, स्टार्ट होगा ये 5 से, एंड होगा मतलब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा। जो भी वैल्यू आपने लिखी है ना यहाँ पर, ये इससे ठीक कम तक चलेगा। तो यानी कि अब इसमें 0 नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू आपने रख दी है, खुद से फिक्स की है, नहीं दोगे तब वो 0 मांगेगा। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ 11 लिखा है। अब आप कोई भी और वैल्यू दे दो, तो मैंने लिखा रेंज 11 से 21 लिख दिया, तो यानी कि ये 11, 12, 13 से लेकर के 20 तक की बात है जो कर रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू मान लो आपने 10 की दे दी, इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दिया 10, अब मैंने लिखा 10, मान लो 50 लिख दिया। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 10 से लेकर के 49 तक की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ तक की, 49 तक की। अब मैं इसको प्रिंट करूँगी, तो यू विल बी फाइंडिंग ईयर 49 एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 10। ठीक है, अब कुछ भी आप वैल्यू देखो, आप मैनुअली अगर आप कहते हो कि मैं 0 देना चाहता हूँ, तो आप 0 दे सकते हो। मतलब अगर आप 0 नहीं दोगे तो भी ये 0 से ही स्टार्ट है जो करेगा, मतलब यहाँ पर आपने इनिशियल वैल्यू खुद से दे दी। ठीक है, तो ये 49 और कहाँ से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ। ठीक है, ओके, मैंने लिखा 9, तो ये 9 to 49 है जो चलेगा। मेरे ख्याल से अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ठीक है, कि यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपका बन चुका है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, एक सेकेंड, स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट टू एंड, राइट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट विच इज व्हाट 9 एंड देन दिस इज एंडिंग पॉइंट, जो कि क्या है, जो भी आपने लिखा है उससे ठीक कभी तक वैल्यू है जो काम करेगी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज हमारी है कि अब रेंज के अंदर हम 3 कुर्सियों की बात है जो करते हैं। रेंज पहले मैंने 9 दिया, तो इट मीन्स 0 से लेकर के 8 की बात हो रही है। रेंज अब मैंने मान लो 10 से 100 किया, तो मैं यानी कि 10 से लेकर के 99 की बात हो रही है। अब मैंने लिखा रेंज, अब मैं लिख रही हूँ मान लो 8 लिख दिया, लिखा गया 8, 21। ठीक है, तो आप कहोगे 8 से 20 तक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका स्टेप आ रहा है ना, वो क्या है, 1 है। मतलब अगर आपने यहाँ और यहाँ की बात करी, तो इसमें क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इस केस की। और इसकी क्या बात थी कि 10 से लेकर के आपका टिल 99 तक ऑटोमेटिकली 1/1 जाता, बट दिस टाइम आप चाहते हो कि 1 ना हो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, आप चाहते हो कि ऑल्टरनेटिवली मतलब 1 छोड़ करके 1 वैल्यू आए। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, स्टेप दे रही हूँ। ये जो तीसरी कुर्सी है इसका नाम है स्टेप, ये तो आपको पता चल गया एंड, ये भी आपको पता चल गया स्टार्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या होने वाला है, 8 से शुरू करेंगे, 9 नहीं आएगा 10 आएगा, 11 नहीं आएगा 12, 13 नहीं आएगा 14, 15 नहीं आएगा 16, 17, 18, 19, 20। तो अब आपका 1 छोड़ करके 1 जो है चलेगा। कैसे डिसाइड हुआ, इस 2 की वजह से। अब आप कहोगे कि अच्छा अगर मैं यहाँ पर 3 दे देती थी तो क्या होता, 3 देने पर आपके पास 2 छोड़ करके तीसरा, तो 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो मतलब ये स्टेप्स
आप दे रहे हो, तो ये स्टेप दे सकते हो आप अगर कभी हमें ऐसे नीड पड़ रही है तो। ठीक है, अब हम सेम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं 8:21 वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 8 अगर ये दे रही हूँ तो क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू 0 से लेकर के 7। ठीक है, अब मैंने कहा 8:21, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक आए। जैसे ही मैंने 2 दिया तो अब वो सीक्वेंस वाइज ना होकर के क्या होगा, 8 के बाद में 10, 12, इस तरीके से आपका काम है जो होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं 3 दे रही हूँ तो वो 2 छोड़ करके तीसरे की बात कर रहा है, 8, 11, 14। ठीक है, मैंने पता है इसको कैसे सीखा है या समझा है, आप 8 में क्या करो, अगर 2 है तो 2 जोड़ दो, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 14, 16। अगर 3 है तो 8 और 3, 11, फिर 11 और 3, 14, 14 और 3, ऐसे करके आप कर लो जो भी आपने स्टेप दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम है जो होगा। आप मैं इसको कुछ भी कट करके, मैंने कहा 5:51, कुछ भी 5 ले लिया है ना, तो 5 से लेकर के 50 तक, बट 5, 5 के गैप के साथ में, तो 5 की टेबल आपके पास में है जो आगे जैसे करें, है ना। तो मैं अगर 3:31, 3 करती हूँ, ठीक है, तो 3 की टेबल मेरे पास प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता चली कि ये कैसे है, स्टार्टिंग एंडिंग, है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी है जो आ सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही है जो देनी है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं जैसे -2 दे दूँ तो मेरे पास में है जो क्या होने वाला है, इससे काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 है, तो ये 0 से आगे तो चल सकता है लेकिन 0 से पीछे नहीं चल सकता, और -2 0 से छोटा है, तो इसलिए आपके पास में कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, अब जैसे आप ये एक और सवाल पूछ सकते हो कि मैं जैसे 2 से लेकर के 10 तक करूंगा तो 2 से 9 तक प्रिंट हो जाएगा, बट वॉट अबाउट अगर मैं 10 से लेकर के 2 तक चलता हूँ, ऐसे केस में भी आपको कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब बाय डिफॉल्ट आगे चल सकता है, पीछे के लिए नहीं है। तो पीछे के लिए आपको यहाँ स्टेप्स देने पड़ेंगे, तो पीछे जाने के लिए आपको -1 बताना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपके पास में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 तक है जो ये चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका आउटपुट है जो इसमें आया। ये कैसे आया मैं आपको स्क्रीनशॉट से बता देती हूँ। ठीक है, तो एक बार आप पॉजिटिव के साथ में बहुत सारे प्रैक्टिकल कर लो ताकि नेगेटिव समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब मैं अगर रेंज के अंदर लिख रही हूँ, मान लो 2:10, तो ये आपको पता है कि 2 से 9 तक मैनुअली अपने आप आगे चलेगा, बट मैं उस केस की बात कर रही हूँ जिसमें मैंने 10:02 लिखा, तो नहीं, ये +1 बाय डिफॉल्ट था लेकिन पीछे कैसे जाए, कि आपने कहा स्टार्ट यहाँ से करो, एंड यहाँ पर करो, है ना। कंप्यूटर इज अ मशीन, वी हैव टू टेल टू द मशीन कि पीछे चलो, तो उसके लिए स्टेप आपको मैनुअली नेगेटिव देना पड़ेगा। तो अब इस केस में वो 10, -1 9, -1 8, -1 7, 6, 5, 4, 3 तक चलेगा, क्योंकि जो भी आपने दिया है उससे ठीक 1 कम तक है जो चलता है। ठीक है, एक लेस तक है जो वो चलता है, दैट इज वाई वी फाउंड हेयर 3। ठीक है, अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने 100 और मैंने 2 लिख लिया, तो ये 100 से लेकर के 3 तक की बात कर रहा है, बट 2-2 के स्टेप के साथ में माइनस देना पड़ेगा, 100, 100 के बाद 98, इस तरीके से आपकी वैल्यूज हैं जो आती जाएंगी, 100, 100 के बाद 98, 96। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टेप्स के साथ में ऐसे डील हो गई। हाँ, आप यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हो, कि जैसे मैंने कहा कि तुम 9 से लेकर के और तुम -6 तक चलो। ठीक है, अब ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि आपको स्टेप देना पड़ेगा इसके अंदर, तो अब मैंने स्टेप दे दिया -3, तो ये जो है इस तरीके से 9, 9 के बाद में -3, 6, -3, 3, -3, 0,
-3 -3 है ना, तो इस तरीके से काम हुआ। अगर मैं -7 दे देती तब हमारा ये -6 है जो आता, क्योंकि ठीक है कम तक चलेगा ना ये हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर वैल्यूज दोगे, काम इसमें वैसे ही करना है, चाहे नेगेटिव वैल्यू दो चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू दो, ठीक है। तो ये फोर लूप का हमारा फंडा है। अब इसमें फर्दर जाकर के आप आगे फ्यूचर में, जैसे अगर आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, उसमें वैल्यूज मैंने मान लीजिए कोई भी वैल्यू दे दी, मैं जानबूझ करके यहाँ पर स्ट्रिंग और कुछ भी अलग वैल्यूज दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना था, 4 IN और रेंज के साथ में एक लैन फंक्शन आता है पाइथन के अंदर जो कि लेंथ बताता है जो भी आप इसके अंदर डालते हो। तो मैंने अगर लेंथ ऑफ लिस्ट किया तो इस लिस्ट की लेंथ कितनी है टोटल वो बता देगा आपको। अगर मैनुअली देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यानी कि हमने यहाँ एक तरीके से 10 लिखा हुआ है, तो ये 0 से 9 तक चलेगा। अब मैं प्रिंट करूँगी और मैं कहूँगी कि उस लिस्ट के अंदर के जो इंडेक्सेज हैं वो एक एक करके प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर की वैल्यूज भी है जो प्रिंट हुई, ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से तभी समझोगे जब आप लिस्ट को कर रहे होंगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको मैंने फोर लूप पूरा समझा दिया है विद रेंज विदाउट रेंज, ठीक है। रेंज को मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, या फिर अभी मैं आपको 2 मिनट में अगर समरी बताऊँ कि आपने क्या चीज़ की है। कोई भी वेरिएबल आपने ले लिया, ठीक है, हम बिना और रेंज के कैसे कर रहे थे, मैंने कहा 4 IN x। अब मैं अगर प्रिंट कर रही थी इस आई को, ठीक है, तो क्या हो रहा था, आपके पास पी फिर ओ फिर पी। अगर मैं रेंज के साथ में चीज़ कर रही हूँ तो मैंने कहा 4 IN range। अब इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू डिसाइड करेगी कि इस आई के अंदर क्या आना है, ठीक है। आपने लिखा मान लीजिए 5, तो यहाँ पर 0 से 4 तक आएगा, 5,10 तो 5 से 9 तक की बात हो रही है। और आपने अगर 5,10,2 कर लिया तो 5 6 नहीं आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9, तो ऐसे आपकी वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। तो ये रेंज फंक्शन ऐसे काम करता है फोर लूप के साथ। अगर आपको फोर लूप समझ में आ गया तो व्हाइल इज़ वेरी वेरी इजी, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड यस, दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।